वीरपुर ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय में खुलेगा इग्नू का स्टडी सेंटर, छात्र छात्राओं को मिलेगी सुविधा। आपको बता दें, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय वीरपुर में जल्द ही इग्नू का स्टडी सेंटर खुलने जा रहा है, जिससे स्थानीय क्षेत्र के वैसे छात्र छात्राएं जो बाहर रहकर इग्नू की पढ़ाई करते हैं उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। गुरुवार को इग्नू के सहरसा क्षेत्रीय कार्यालय के रीजनल डायरेक्टर मिर्जा निहाल ने ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय का निरीक्षण किया और महाविद्यालय की स्थिति देखने के बाद कहा कि यह महाविद्यालय जिला मुख्यालय और विश्वविद्यालय से काफ़ी दूर है। यहाँ के छात्र और छात्राएं इग्नू में पहले से रजिस्टर्ड हैं। इग्नू की पढ़ाई के लिए छात्र यहाँ से दूर सुपौल या फारबिसगंज जाते हैं, ऐसे में छात्रों को समस्याएँ होती हैं। पहले भी कोशिश रही है कि यहाँ स्टडी सेंटर खुले और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा था। स्टडी सेंटर खुलने से हायर एजुकेशन में खासकर छात्राओं को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि अभी इग्नू का नामांकन चल रहा है और इसी के जागरूकता के लिए हमारा यहाँ आना हुआ था। प्राचार्य डीएन शाह के खास मांग पर इग्नू सेंटर खोलने को लेकर विचार किया गया है। छात्र छात्राएं बिना इंतजार किए हुए बीए एमए के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट के नए सत्र में नामांकन ले सकते हैं। 31 अगस्त तक छात्र व छात्राएं कोई भी स्टडी सेंटर चुन ले, ताकि यहां ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय में जब इग्नू का स्टडी सेंटर खुल जाएगा तो बगैर किसी समस्या के यहाँ उसका स्थानांतरण हो जाएगा। वही प्राचार्य डीएन शाह ने बताया कि जब इग्नू का स्टडी सेंटर खुलेगा तो छात्रों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक बार यदि छात्रों का नामांकन नहीं हो पाता है तो दूसरे वर्ष उन छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में पूर्व से प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सफलता अब मिलते दिख रही है। विभिन्न प्रकार के कोर्स करने में छात्र छात्राओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिन्हें सर्टिफिकेट कोर्स की जरूरत होती है। निरीक्षण के दौरान रीजनल डायरेक्टर व प्राचार्य के साथ साथ प्रधान सहायक वीरेंद्र ठाकुर व अन्य कर्मी उपस्थित रहे। एलएनएमएस कॉलेज वीरपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा की, और क्षेत्रीय केंद्र सहरसा के क्षेत्राधीन जो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से सुपौल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसके 3-3 सब डिविजन्स हैं। और ये सब डिविज़न जो है वीरपुर का काफ़ी दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको किसी भी अपने काम के लिए, समस्याओं के लिए काफ़ी दूर सुपौल या फारबिसगंज वो ऑप्ट करते हैं स्टडी सेंटर। तो मेरा पहले भी ये मेरी कोशिश रही है, एक बार और मेरा पहले आना हुआ था कुछ साल पहले, कि यहाँ सेंटर खुले और इस इलाके में हायर एजुकेशन में लड़कियों की तादाद यानी महिलाओं की तादाद में इजाफा हो, ओवरऑल लड़कों की तादाद में भी हो। ख़ास बात यह है इग्नू की कि आज नामांकन इसका चल रहा है जुलाई 2023 सत्र के लिए, और उसी के जागरूकता के सिलसिले में हमारा आना हुआ। प्रिंसिपल साहब पिछले दिनों हमारे कार्यालय गए थे, इनकी ये मांग थी और हमारी भी ये पहले से ख्वाहिश है, इच्छा है कि यहाँ पे सेंटर खुले। तो इनकी मांग पे और इनसे सहरसा में हमारा परिचय इग्नू को इन्होंने चलते वहाँ फलते फूलते देखा है, तो हमारा यहाँ आना हुआ। और आज जो नामांकन चल रहा है उसमें यहाँ के जो आपके आपके न्यूज़पेपर के और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि अभी बगैर इंतज़ार किए हुए बीए और एमए में और डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब में एडमिशन्स चल रहे हैं। 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को अपना कोई भी स्टडी सेंटर ऑप्ट कर लें। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ वो उनका स्थानांतरण हो जाएगा बगैर किसी दिक्कत के। मिर्जा निहाल अहमद बेग, रीजनल डायरेक्टर इग्नू सहरसा। हाँ, इग्नू सेंटर के लिए हम कुछ दिनों से प्रयास कर रहे थे। हमारे जो यहाँ सहरसा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक महोदय है, इनसे मेरी बात हुई थी और जो उसमें कुछ सहमति हुई थी, फिर उसके लिए हम यहाँ से प्रतिवेदन दिए, आग्रह पत्र दिए हैं और उस आग्रह पत्र के आधार पर आज यहाँ आए हैं विजिट करने के लिए कि पहले वहाँ की स्थिति को हम लोग देखें। और इसलिए इस क्षेत्र में जब से हम आए हैं, आप लोग सभी जानते ही हैं कि
बहुत कम ही दिन हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट यहाँ है, जिस कारण से बच्चों में बहुत कठिनाई होती है नामांकन लेने में, और नहीं हो पाता है तो लाचार होकर दूसरे सत्र के लिए प्रतीक्षा में रहता है। ऐसी स्थिति में यदि इग्नू केंद्र यहाँ होता है तो वो बच्चे जो दिल्ली जाके पटना जाके नहीं पढ़ सकते हैं, जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ अवसर प्राप्त होगा। इसी को ध्यान में रख के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि LNMS कॉलेज जिन महापुरुषों के नाम पर है और जो क्षेत्र है एरिया है यहाँ और जिस तरह का यहाँ का सामाजिक वातावरण तैयार है उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो एक आधार बनेगा, इसके लिए हम प्रयास किए हैं, जिसमें बहुत ही हद तक बात हो रही है और वो कुछ कुछ प्रक्रियाएं हैं उसकी जो उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि बहुत निकट भविष्य में ये हो जाएगा, यहाँ इग्नू केंद्र अध्ययन केंद्र होगा, ये मुझे विश्वास है। और क्या सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे रेगुलर होकर के सर्विस में नहीं है वो तो कहीं जाके पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो सेवा में है, जो नौकरी पेशा में है, ऐसे लोग यदि अपना शिक्षा शिक्षण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इग्नू केंद्र यहाँ खुलने से। ये इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम ये आग्रह कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमको लगता है कि निकट भविष्य में हमें इसकी सफलता मिलेगी। और आप लोगों की भी शुभकामना होनी चाहिए कि जो शैक्षणिक वातावरण का हम माहौल तैयार कर रहे हैं उसमें एक और नया अध्याय जुटेगा, यही कारण है कि ये प्रयास मेरा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर DN शाह, यहाँ मैं प्रधानाचार्य हूँ LNMS कॉलेज बीरपुर में।